इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार ग्रो पर ग्रो किए जा रहा है और अभी की लेटेस्ट अपडेट यह है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनी लिस्टेड है उनका टोटल वर्थ 400 लाख करोड़ के पार जा चुका है। 400 लाख करोड़ का मतलब है 400 ट्रिलियन रुपया। तो चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, पूरे दुनिया में इंडियन स्टॉक्स मार्केट कौन से स्थान पर है, अचानक से इतना ग्रोथ क्यों देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं सब कुछ आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं विकास। दोस्तों भारत में बेसिकली दो एक्सचेंज है, एक NSE है और एक BSE है। NSE को निफ्टी बोलते हैं और BSE को सेंसेक्स बोलते हैं। BSE में जो टॉप 30 कंपनी होती है, सेंसेक्स उसी को रिप्रेजेंट करता है। NSE की जो टॉप 50 कंपनी होती है उसको निफ्टी रिप्रेजेंट करता है। हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। कल सेंसेक्स पहली बार 75,000 करोड़ के पार जा चुका था और ये पहली बार हुआ है। ड्यू टू दिस रीजन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनी लिस्टेड है उनका टोटल वर्थ 400 लाख करोड़ के पार चला गया। भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कौन सी है? रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो इस तरह से भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनी है, सबको मिलकर के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उनका टोटल कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ के पार जा चुका है। ये बता रहा है कि भारत का मार्केट कितना स्पीड से ग्रो कर रहा है, तभी तो ये आंकड़ा आसमान छू रहा है। और इन्हीं चीजों को देख करके भारत का खजाना लगातार बढ़ते जा रहा है, FDI पर FDI आ रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1979 में हुई थी। जनवरी 2001 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टोटल कैपिटलाइजेशन मात्र 6.5 लाख करोड़ था, लेकिन इसके 14 साल बाद दिसंबर 2014 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो आंकड़ा है वो पहली बार 100 लाख करोड़ के आंकड़ा को पार किया था। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट, 2014 से लेकर के 2024 तक में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 लाख करोड़ का ग्रोथ देखा गया है मात्र 9 साल में। और यही चीज बता रहा है कि पिछले 9 सालों में भारत किस रफ्तार से ग्रो किया है। लेकिन इसमें भी आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, 2014 से 2021 आते आते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 करोड़ से 200 करोड़ में पहुंचा, लेकिन 2021 से 2023 और 2024 मात्र 2 साल के अंदर डबल ग्रोथ हो गया। 2 लाख करोड़ से सीधे 4 लाख करोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। और इसमें भी सबसे खास बात क्या है वो देखिए, 3 जुलाई 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टोटल कैपिटलाइजेशन था वो 3 लाख करोड़ था, जो कि मात्र 9 महीना में 4 लाख करोड़ हो गया। यानी कि सिर्फ 9 महीने के अंदर 100 लाख करोड़ का ग्रोथ, ये चीज पहली बार हुआ है। तो ये जो चीज है ये पूरी दुनिया को शॉक कर रहा है, ये अनबिलीवेबल है। और इंडियन स्टॉक्स अभी और आगे बढ़ने वाला है, जो पैसा लगाए होंगे या लगाने वाले हैं वो ग्रो करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी इंडियन बैंक है वो पिछले एक साल में किस तरह से ग्रो करी है, उसने कितना का रिटर्न दिया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 रुपया लगाया था, उसको 60% का रिटर्न मिला है। अगर उसने 100 रुपया लगाया तो उसको एक साल में 160 रुपया मिला, जिसने 1 करोड़ लगाया उसको 1,60,00,000 रुपया मिला, इतना का ग्रोथ। बैंक ऑफ इंडिया ने 88% का ग्रोथ दिया है, कैनरा बैंक ने 113% का ग्रोथ दिया है। मतलब अगर आप 100 रुपया लगा रहे हो तो आपको 213 रुपया मिला, इसका मतलब जिस आदमी ने 1 करोड़ रुपया लगाया उसको 213 करोड़ रुपया मिला, यानी कि जितना उसने लगाया उससे भी ज्यादा उसको मिला। इसी तरह से भारत में जितने भी बैंक है उन सब ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। IOB बैंक 184% रिटर्न, 169% रिटर्न, यूको बैंक 123% रिटर्न। तो जिन लोगों ने भी इतना पैसा इसमें लगाया था वो माला माल हो चुके हैं। नाउ अब अगर बात करें कि पूरे वर्ल्ड में भारत स्टॉक मार्केट में कितने नंबर पर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में, गाइस रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि भारत ने हांगकांग के मार्केट को पीछे कर दिया है, जिसके बाद हम पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट के मामले में 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुके हैं। नंबर 1 पर है US का स्टॉक मार्केट, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है जापान और चौथे नंबर पर आ चुका है अपना प्यारा भारत। हमने हांगकांग को 5 नंबर पे कर दिया। अगर हम इसी तरह से ग्रो करते रहे 5 साल के अंदर जापान चाइना सबको पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका का बात ही अलग है, अमेरिका को दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं देने वाला है। आप देख सकते हैं कितना आगे है, क्योंकि US में सिर्फ US के लोगों ने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, दुनिया भर के इन्वेस्टर ने US में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और सब लगातार ग्रो कर रहे हैं। US का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 ट्रिलियन डॉलर का है। जस्ट इमेजिन गाइस, इतना किसी भी देश का GDP नहीं है, खुद US का भी नहीं, लेकिन उसके स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 ट्रिलियन डॉलर है। स्टॉक्स में कोई भी देश कितना छोटा है इससे कोई मतलब नहीं है, उसके स्टॉक्स में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी, कितनी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है इससे उसका स्टॉक कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। नाउ सबसे बड़ा सवाल कि भारत में जो इतना ग्रोथ हुआ है ये अचानक से कैसे हुआ, 9 महीने के अंदर भारत का जो सेंसेक्स है वो 100 लाख करोड़ कैसे ग्रो किया कैसे, इसके बहुत सारे रीजन हैं और इसके कई रीजन पर मैंने वीडियो भी बनाया है। भारत के अंदर जो भी आम आदमी होते थे वो पहले अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से वो ग्रो किया। और एक रीजन ये भी है कि भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कंपनियां पहले चाइना में थी वो कंपनियां चाइना से उठ करके भारत में आ रही है, उनको लग रहा है कि भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, अगर हम भारत जाएंगे तो हम और तेजी से ग्रो करेंगे। और पॉपुलेशन के मामले में भी हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अगला सबसे बड़ा रीजन है कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है
वो अभी स्टेबल है, जिसकी वजह से देश विदेश हर जगह एक अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। ग्रुप करने में, डील करने में, ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब भारतीय लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका अंदाजा इस रिपोर्ट से मिल रहा है। 2019 में भारत के अंदर 36 मिलियन डीमैट अकाउंट थे, जो कि 5 साल के अंदर 2024 आते आते 151 मिलियन के पार चला गया। 36 मिलियन से 151 मिलियन, यानी 2019 में 3.6 करोड़ लोगों का डीमैट अकाउंट था, वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, जो कि अभी बढ़कर के 15 करोड़ के पार चला गया है। अब भारत के 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है और वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। और ये सिर्फ हमारे भारत का था, विदेशों का अलग है। विदेशों का आंकड़ा भी काफी पार गया है। पिछले 5 सालों में विदेशी लोगों ने $92 बिलियन भारत में इन्वेस्ट किया है इंडियन स्टॉक्स मार्केट में। और जिस भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वो कंपनी और तेजी से ग्रो कर जाता है। मैं आपको एक और बेहतरीन डाटा बता रहा हूँ। सिर्फ 2022-23 में भारत के अंदर 48 ऐसी कंपनी थी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100,000 करोड़ से ज्यादा था, लेकिन जस्ट एक साल के अंदर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ये 48 से बढ़कर के 80 हो गया, यानी एक साल के अंदर दुगना। अब भारत के अंदर 80 ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100,000 करोड़ से ऊपर है, तो भारत पूरे तरीके से ग्रो कर रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप है, जिस देश में तानाशाह होगा वो देश इस तरह से ग्रो कर पाएगा? मतलब कुछ भी बोल देना है, कॉमन सेंस यूज नहीं करना है। खैर, भारत किस तरह से ग्रो कर रहा है इस बात को देश के 140 करोड़ नागरिक जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। और दुनिया भी ये बात जान रही है कि भारत किस तरह से ग्रो कर रहा है। चाहे आप कोई भी डाटा उठा लीजिए, वर्ल्ड बैंक, गोल्डमैन सैक्स, IMF, WTO, दुनिया के हर एक एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भारत लगातार ग्रो करने वाला है। जाते जाते मैं आपसे बस इतना बोलूंगा, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, सामने शेयर मार्केट का वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे इस दुनिया में प्रवेश करें। आपको तुरंत पैसा लगाने में नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट चीजों को समझिए कि शेयर मार्केट है क्या, ये कितना जरूरी है। शेयर मार्केट पूरे भारत के गरीबी की प्यास को 2 मिनटों में खत्म कर सकता है, इतना शेयर मार्केट में पावर है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।